हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक वारली चित्रकला सीखने वाले हैं जो हम पहले भी वीडियो में देख चुके हैं, बट इसके लिए मैं कुछ अलग तरीके से आपको बताने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे स्क्वायर्स में एक ब्लैक ड्राइंग शीट ली है, आप कोई भी साइज़ का ले लीजिए, जिस भी शेप और साइज़ में आप बनाना चाहते हैं एक ब्लैक ड्राइंग शीट ले लीजिए, या फिर चार्ट पेपर भी बोल सकते हैं हम इसको, जिसमें मैंने सेंटर लेते हुए कुछ 6 लाइन्स ड्रॉ की है। देखिए कुछ इस तरह से मैंने कंपास बॉक्स और पेंसिल की मदद से 6 लाइन्स ड्रॉ कर ली है। इसमें ऐसा नहीं है कि परफेक्ट यही मेज़रमेंट लेके किया है, आप कर लीजिए। और बीच की जो 3 लाइन्स है उसमें मैं इस तरह से देखिए क्रॉस लगा रही हूँ। ये क्रॉस लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम नाप लेते जाएंगे और क्रॉस लगाते जाएंगे, क्योंकि इसी में से हमारी वो डांसिंग वाली वारली की लेडीज़ बनने वाली है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है जो कि हमें बहुत आराम से करना है, और वो हो जाने के बाद देखिए मैं इस तरह से एक सर्कल वाला ले रही हूँ जिससे मैं उस लेडी का हेड बनाऊँगी। वो आपको अच्छे से दिख रहा है कि मैं कैसे समझाना चाहती हूँ। देखिए इस तरह से हमें हेड बना लेना है, ठीक है। उसके बाद हेड के ऊपर और एक छोटू सा सर्कल बनाएंगे, जो बन जाएगा वो लेडी का चोटी। तो सभी लेडीज़ में सेम एक ही साइज़ का उनका सर आना चाहिए और उनकी चोटी भी सेम वही साइज़ की आएगी। और उसके बाद हमें ले लेना है वाइट एक्रेलिक कलर, जिसको मैं राउंड ब्रश की मदद से फिलअप कर रही हूँ। ये मेरा 5 नंबर का ब्रश है, आप जिस भी नंबर के ब्रश से कंफर्टेबल हो उस नंबर के ब्रश को लीजिए और एक्रेलिक कलर से उस लेडीज़ में फिलअप कीजिए। डायरेक्ट कलर कर रहे थे तब बाउंड्री अच्छे से नहीं बन पा रही थी, देखिए कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो रही है मेरे से, इसीलिए मैं फिर ये स्टेप किया मैंने कि 0 नंबर का ब्रश लेके ना पहले एक बाउंड्री हम बना लेंगे कि हमें इस साइज़ में इतने शेप में ये कलर भरना है, तो आसान भी रहेगा और सभी लेडी जो हमारी है वो एक साइज़ में और शेप में हमें मिल पाएंगी। तो ये स्टेप फॉलो कीजिए। और उसके बाद कोई भी ब्रश लेके उसमें कलर फिलअप कर दीजिए। एक शेड देंगे तो पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक है, इसकी वजह से जो हमारे स्ट्रोक हो गए वो दिखेंगे, तो 2 कोटिंग दीजिए इसमें। बहुत सिंपल तरीके से मैंने दिखाया है, लेकिन ब्लैक बैकग्राउंड की वजह से ये पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत बन के निकल के आती है, क्योंकि हमें एक तो इसमें बैकग्राउंड देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और सिंपल ही मैंने बताया है कि किस तरह से बना सकते हैं आप और परफेक्शन के साथ काम कैसे कर सकते हैं, ये एक मेन चीज़ है इसमें। देखिए 2 कोट दीजिए और आराम से काम कीजिए इसमें। ओके, देखिए सभी लेडीज़ बनके रेडी है, और यहाँ पे मैंने उनके हाथ और पैर नहीं बनाए हैं, लेकिन उनके बॉडी और सर की चोटी को हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हैं आप। और अब बारी आती है उनके पैरों की, पैर को मैं कुछ इस तरह से बना रही हूँ, देखिए बहुत ही पॉइंटेड ब्रश लीजिए 0 या 00। और सभी की साइज सेम आएगी क्योंकि हमने पहले ही बाउंड्री लाइंस बना के रखी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम जाएंगे, तो हमारे पैरों की साइज भी सेम आएगी। और देखिए अब मैं हाथ बना रही हूँ, जिसके लिए मैं सिर्फ ऐसे देखिए सब भी एक डायरेक्शन के पहले बना लेंगे हम,
एक डायरेक्शन के हाथ बन जाने के बाद ही हम दूसरी डायरेक्शन से हाथ बनाएंगे, ताकि सभी लेडीज़ के हाथ एक दूसरे की कमर को पकड़े हुए दिखेंगे। देखिए अब दूसरी साइड में हम वो चीज़ दोहरा रहे हैं। आराम से कीजिए और हो सके उतना पतला ब्रश लीजिए, ताकि अपना डिटेलिंग अच्छे से हो पाए, क्योंकि हमने सभी लेडीज़ के बीच की गैप एक सरखी रखेंगे तभी ये काम हमारा अच्छे से हो पाएगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वार्ली में, क्योंकि इसमें जो परफेक्शन है वो ही पूरा हमारी पेंटिंग को निखारता है। तो ये काम हमें परफेक्शन से करना है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ आप समझ जाओगे। और बाकी की जो एक्स्ट्रा पेंसिल्स लाइन है वो मैं अब इरेज कर दूंगी सूख जाने के बाद, ठीक है। तो ये स्टेप बिल्कुल मत भूलना, और ध्यान रहे कि कलर सूख चुका है। मैंने वो सारा इरेज कर दिया है, और अब जो बाउंड्री मैंने छोड़ी थी उसमें मैं वही वाइट एक्रेलिक कलर से ही बाउंड्री दे रही हूँ। मैंने पहले ही पेंसिल से मार्क कर रखा है कि मुझे कितनी साइज़ में ये बाउंड्री चाहिए, तो आप पहले वो मेज़र करके रखिए और अकॉर्डिंग टू दैट फ्लैट ब्रश लेकर ही बाउंड्री दे दीजिए। और बीच में ये जो गैप छूटी थी उसमें मैं एक वार्ली पीकॉक बना रही हूँ। ये ऑप्शनल है अगर आप स्किप करना चाहते हैं, और वो सिंपल सी लेडी डांस करती हुई दिखा रहे हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन मुझे ये पेंटिंग थोड़ी सिंपल और खाली खाली लग रहे थे, तो इसीलिए मैंने बीच में एक पीकॉक ऐड कर दिया है। तो ये बनाना भी बहुत ही सिंपल है। देखिए कुछ इस तरह से मैंने पीकॉक की बॉडी बना ली है, और उसके बाद बारी आती है इस तरह के फेदर्स बनाने की। तो पहले पेंसिल से सिंपल मार्क कर लीजिए कि कहाँ पे और कितने हमें चाहिए उसके फेदर। ये हो जाने के बाद हम बहुत ही 00 साइज़ का मैं ब्रश ले रही हूँ, और इसे आराम से इस तरह से स्ट्रोक देने हैं। देखिए यही स्टेप हमें पूरे फेदर्स में फॉलो करने हैं। आराम से यही स्टेप सभी फेदर्स में फॉलो कीजिए। और आसानी से हमारा पीकॉक बनके रेडी हो जाएगा, और ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। क्विक रिमाइंडर दे देती हूँ कि जो भी गाइस मेरी चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जो भी नए वीडियोस और आइडियाज़ मैं शेयर करती हूँ वो आप तक पहुँच पाए। देखिए इतने तक बन चुका है हमारा। जितना पॉइंटेड हमारा ब्रश रहेगा और जितने देखिए हम बारीकाई से काम करेंगे ना, उतना फेदर्स बनके बहुत निखर के आते हैं।
फाइनली पिकॉक बनके रेडी है दोस्तों, देखिए। और ये बीच में बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। आई होप आपको भी पसंद आए होंगे और आप इस वीडियो में से कुछ सीखे होंगे। अगर सीखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही कुछ नए अच्छे से आइडिया के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।